दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। ऑडी कार पर गिरा डंपर, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत। नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक दर्दनाक सड़क हादसे में रेत से भरे डंपर ने ऑडी कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा रोहिणी के एन काटजू थाना इलाके में हुआ, जहां रेत से भरा डंपर एक ऑडी कार में पलट गया, जिसमें कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। जानकारी के अनुसार बीती देर रात 30 साल के सुमित अपनी पत्नी रुचि मारीटा और 4 साल के बेटे के साथ किसी फंक्शन से अपनी ऑडी कार से रोहिणी सेक्टर 15 स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही इनकी गाड़ी ESI अस्पताल के पास पहुंची, तभी वहां सात से गुजर रहा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर इनकी कार पर पलट गया। रोहिणी इलाके में हुआ हादसा। इस दर्दनाक हादसे में कार चालक सुमित, उनकी मां और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 4 साल का बेटा घायल हो गया है, जो अस्पताल में भर्ती है। इस भीषण सड़क हादसे के बाद से ही मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह हादसा बीती देर रात करीब 1:15 के आसपास रोहिणी सेक्टर 15 स्थित ESI अस्पताल के सामने हुआ। बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर अस्पताल के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस, कैट्स एम्बुलेंस समेत दमकल की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर ऑडी कार से मृतकों के शव को बाहर निकाला गया और घायल बच्चे को भी बाहर निकाला गया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।